हेलो नमस्ते, कैसे हो आप लोग सभी। उम्मीद करते अच्छे होंगे। और मैं बहुत बहुत दिनों बाद वापस आई, क्योंकि मेरा बच्चे का एग्ज़ाम चल रहा था। वो स्टार्ट हुआ था 4th से और ख़त्म होने वाला है। सब एग्ज़ाम हो गया, मैंने मेन मेन एग्ज़ाम हो गया, अभी कंप्यूटर बाकी है, मंडे होकर ख़त्म होगा। तो मैंने सोचा इतना दिन मैंने कोई भी शेयर नहीं किया आप लोगों के साथ ब्लॉगिंग, तो मैं थोड़ा सा शेयर कर लेती हूँ। और बोलिए आप लोग कैसे हो। एक्चुअली पता है यूट्यूब में मेन किस किस कारण के वजह से माने सब लोग फेल होते हैं, वो मेन कारण मेरा जो है मतलब 4 ईयर्स हो गया मेरा, तो मतलब अभी तक एक वीडियो वायरल हुआ था, बट उससे से अच्छा मेरा वो मिला था, मतलब वॉच टाइम अच्छा मिला था। उसके बाद से इतना मतलब खास कुछ नहीं हुआ। तो मुझे लगता है मेरा जो इम्पोर्टेंट चीज़ है, मैं एकदम कंसिस्टेंट नहीं हूँ। मतलब मेरा अगर मैं पहले आप लोगों को कहा है, जैसे मेरा फैमिली बहुत इम्पोर्टेंट है मेरे लिए। मैं मेरे लिए इसके लिए जॉब भी छोड़ दिया, मेरे फैमिली के लिए। मैंने मतलब मेरा मेन प्रायोरिटी वही रहता है। अभी देखिए उसका एग्ज़ाम के टाइम मैं एक मैंने कुकिंग मैंने वीडियो बना तो छोड़ ही दीजिए, मैं कुकिंग भी नहीं कर पाती हूँ, पूरा टाइम बैठे रहती हूँ, क्योंकि उसको थोड़ा गाइड करना पड़ता है। और अब वो पढ़ लेता है, पर फिर भी अभी तक मैंने पूरा कंप्लीटली नहीं छोड़ा है। तो इसके लिए मतलब अगर मैं पास में चले जाऊँ, कुकिंग टुकिंग करूँ, ये करूँ, वो पढ़ेगा नहीं। और उस टाइम पे रिवीजन करने के वन वन डे ऐसा रहता है ना, रिवीजन प्रॉपरली नहीं करेगा तो कैसे वो ठीक से मार्क्स लेके आएगा। तो इसलिए मैं पूरा डेडिकेटेड हो जाती हूँ मेरा किट के लिए। तो फिर मैंने मतलब अगर फैमिली मैटर कुछ भी आ जाए, मैं एकदम कम्प्लीटली मेरा सब वर्क बंद कर देती हूँ, जो बहुत ही ख़राब है यूट्यूब के लिए। यूट्यूब ऐसा सोचता है शायद आप मैंने एकदम सीरियस नहीं हो आपके काम के बारे में, बट मैं बहुत ही सीरियस हूँ। बट फिर भी मैं जैसे 15 डेज में एक वीकली वंस ऐसे वीडियो अपलोड करती हूँ, बट एग्ज़ाम के टाइम मैं एकदम भी कर नहीं पाती हूँ। एंड वो ही मैंने मतलब जो कंसिस्टेंसी नहीं रहेगा ना, किसी का भी होता नहीं है। मैं देखा है जितना भी यूट्यूबर, मैं बहुत सारे यूट्यूब चैनल 400 के ऊपर मैं यूट्यूब चैनल देखती हूँ, वहाँ पर देखती हूँ सब लोग स्पेशली एक एक वीडियो डालते हैं एवरी डे, क्योंकि इतना कंपटीशन है। आप लोग सोचो सब प्लेस में कंपटीशन है। अगर आप वीकली एक बार और मंथली एक बार डालोगे तो ऑडियंस वेट करते रहते हैं, बट मैं क्या करूँ। मेरे लिए आप लोग समझ ही सकते हो, मेरे लिए प्रायोरिटी मेन है ये मैंने फैमिली। तो मैं एक रिक्वेस्ट करना चाहती हूँ आप लोगों को, इसलिए अगर आप लोग को लगता है मेरा वीडियो अच्छा लगता है तो आप लोग थोड़ा सा मतलब मेरे से ऐसे ही एडजस्ट कर लो। मतलब वीकली तो एक वीडियो आप लोगों को मिलेगा ही, बट जब मेरा कोई फैमिली इश्यूज रहेगा उस टाइम पे वीडियो अपलोड नहीं हो पाएगा, तो आप लोग थोड़ा सा एडजस्ट कर लो। यही बहुत ही बड़ा कारण है मेरा यूट्यूब चैनल अभी तक मतलब फ्रीज बोल सकते हो, फ्रीज हो गया है। अच्छा सब वॉच टाइम आता है, बहुत टाइम से देखते हैं, टॉप मोमेंट्स आते हैं, मतलब मैंने बहुत टाइम देखते हैं सब लोग, बट फिर भी कुछ हो नहीं रहा है। बट इसके बावजूद भी मैंने मतलब छोड़ा नहीं है, मैं तो ट्राई करती रहती हूँ, क्योंकि मुझे लगता है एक्चुअली छोटे से ना बहुत हम लोग मतलब मैं तो बहुत टाइम लाइफ में सक्सेसफुल नहीं हुई बहुत चीज़ों में, इसलिए इतना जल्दी फेलियर को एक्सेप्ट नहीं करती हूँ, ट्राई करती रहती हूँ। और जितना भी ऐसे गिरती हूँ, उतना ही मेरे पास शक्ति है, मैं उठ के खड़ा हो सकती हूँ, उठ के खड़ी होकर मैं फिर से स्टार्टिंग से ये काम कर सकती हूँ, जो बहुत मुझे लगता है सबके पास नहीं होता है। थोड़ा सा फेलियर होने से आ जाए बस कुछ भी आ जाए, वो लोग काम ही छोड़ देते हैं, बट मैं ऐसे बिल्कुल भी नहीं हूँ। मुझे तोड़ना इतना इजी नहीं है, क्योंकि मैं इतना तोड़ चुकी हूँ पहले, अभी बहुत स्ट्रांग बन गई हूँ। तो मैं ट्राई करती रहती हूँ, मुझे तो बहुत हंसी मज़ा करते सब लोग, बोलते हैं अभी तक 4 ईयर्स होने चला, अभी तक भी तुम्हारा चैनल ये नहीं हुआ वो नहीं हुआ। मैं बोला मैं कोई प्रॉफिट कमाने के लिए चैनल शुरू नहीं किया है, मुझे लगता अच्छा लगता है, मेरा घर का काम जो भी है मैं शेयर करती हूँ, इसलिए मैं ट्राई किया है। तो एक्चुअली मैं बहुत पहले ये सब बोलती थी, अभी कुछ नहीं बोलती, जो जिसको जो बोलना है बोलने दो, मेरा जो काम है वो करने दो, क्योंकि मैं लाइफ में जैसे सक्सेसफुल हुई हूँ, अनसक्सेसफुल भी बहुत चीज़ों में हुई हूँ। इसलिए होता है ना, अब लोहे के जितना पीटोगे उतना भी स्ट्रांग बन जाता है, वैसे ही मैं हूँ। तो इसलिए लाइफ में ठोकर खाना बहुत इम्पोर्टेंट है, बोलता है ना जैसे बादाम खाने से ही हमारा दिमाग मतलब स्ट्रांग नहीं होता है, शार्प नहीं होता है,
ठोकर खाना लाइफ में बहुत इंपॉर्टेंट है। और मैं ना मतलब आप लोगों को पता ही है 24 प्लस में मेरी शादी हुई, फिर मैंने 18 ईयर्स के बाद से मैं नौकरी किया है। लाइफ में बहुत कुछ झेली हूँ, कुछ देखी हूँ। मैंने 18 ईयर्स का मतलब 3 मंथ्स जो एग्ज़ाम के बाद जो टाइम मिलता ना उसमें किया है। फिर 21 में के बाद मैं एमए करती थी, एमए करने के मैंने मास्टर्स करती थी, मास्टर्स करने के बाद बाद मैं ये करती थी, ये नौकरी करती थी। सो, मुझे पता है अर्न कैसा होता है, कितना कष्ट में अर्निंग होता है एवं पैसे का जो वैल्यू है मैं अच्छी तरीके से समझती हूँ। इसलिए मैं कोई भी ऐसा चीज़ एक इतना इजीली छोड़ नहीं पाती हूँ। इवन ओनली मेरा घर मतलब ये चैनल नहीं है, मेरा बच्चे का जैसे कोई भी होता है ना, बहुत सारी अभी अकेली माएँ हैं, बहुत कुछ प्रॉब्लम फेस करना पड़ता है। जैसे कुछ कुछ चीज़ों में बहुत कुछ उसको दिक्कत आ रहा था, मतलब कुछ चैप्टर्स में, बट जितना तक नहीं हो रहा उतना तक बैठे मैं उसको मतलब वो ख़त्म करवाया। इसको ही डेडिकेशन शायद बोलते हैं, क्योंकि मैं छोटे से मेरा पापा को देखा है, पापा बहुत डेडिकेटेड थे। मेरा मम्मी इतना नहीं, मेरा मम्मी का बुद्धि ज़्यादा था, बट डेडिकेशन मेरे पापा का बहुत था। मेरा पापा बहुत कुछ एक चीज़ें, पापा तो इनकम टैक्स ऑफिसर थे, कुछ चीज़ें अगर कुछ सॉल्व नहीं हो रहा है उसको माने जान तोड़कर वो ट्राई करते थे एंड लास्टली सक्सेसफुल होते थे। वही मम्मी पापा का सब कुछ मिलकर ही हम लोग बनते हैं ना। तो आज सोचा मैंने ऐसे थोड़ा सा आप लोगों के साथ बातचीत कर लेती हूँ, गल्प वगैरह कर लेती हूँ। और आप लोगों को कैसा क्या चल रहा है बोलना, और वीडियो अच्छा लगे प्लीज़ सब्सक्राइब लाइक शेयर, ये तो बोलना ही पड़ता है क्योंकि आप लोग देखते हो। लोग ही खाया है, मैंने ये टोमेटो राइस बनाया है, देखिए ये जो है ना MTR का है टोमेटो राइस से बनाया है, ये देखिए आ गया खाने के लिए। अच्छा इसमें मैं एक नया ट्रिक दे रही हूँ, ये चिप्स है ना, ये चिप्स, ये थोड़ा सा खट्टा मीठा है, ये थोड़ा सा क्रश्ड करके इसे इसके अंदर डाल दो, प्लेन चिप्स ये भी 2-3-4 ले लीजिए, क्रश करके इसके अंदर डालो। और ये देखिए धनिया डांडी है ना, इसमें बहुत खुशबू आता है, तो ये मैंने डांडी देखिए इसके अंदर डाल दो, और इसको ना थोड़ा सा मिला लीजिए, बहुत अच्छा टेस्ट आता है, सुपर। सब्सक्राइब नहीं करते हो, मैं तो ट्राई कर रही हूँ, मुझे थोड़ा सपोर्ट करो, सपोर्ट का बहुत ज़रूरत है। मैं ट्राई करती हूँ 15 डेज में एक बार, नहीं तो मैंने अगर कोई भी एग्ज़ाम वगैरह इम्पोर्टेंट कुछ नहीं रहेगा तो वीकली वांस मिलेगा ये वीडियो आप लोगों को। तो चलिए ये जो वीडियो आप लोग देख रहे हो ये बेसिकली मेरा पुराना वीडियो है, मैं थोड़ा सा डाउनलोड करके एडिट करके मैंने क्योंकि शूट नहीं कर पाई, एग्ज़ाम चल रहा था, तो ये मेरा बच्चे का थोड़ा सा आप लोग छोटा देखोगे, अभी तो बहुत बड़ा बन गया है। और ऐसे ही चल रहा है, बोलिए आप लोग क्या कर रहे हो। एग्ज़ाम जैसे हो जाता है, हम लोग का ही एग्ज़ाम है, मतलब सर से एक बड़ा वाला पत्थर निकल जाता है, क्योंकि मतलब क्लास 7 का मतलब बहुत वास्ट सिलेबस है। सबसे बड़ा बात SST और साइंस में बहुत तकलीफ़ होता है क्योंकि छुट्टी नहीं देते हैं, अगर छुट्टी नहीं देंगे तो इतना वास्ट सिलेबस ख़त्म करना नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल। एनीवेज मैंने तो पूरा सजेशन मैंने अच्छा जैसे 6 चैप्टर 7 चैप्टर अच्छा करके पढ़ा दिया, बाकी ऐसे मेन जो इम्पोर्टेंट चीज़ है वो पढ़ा दिया, मतलब पूरा पढ़ाई लिखाई में वो जब पढ़ते हैं मैं वो साइड में ऐसे करती हूँ, ऐसे करते करते पूरा टाइम चला जाता है। मैंने मतलब जब एग्ज़ाम के टाइम ना मेरा बेटा
ओनली 3-4 आवर्स 5 आवर्स सोता है, बाकी मतलब 18-17 आवर्स वो उसमें पड़ता है पूरा, क्योंकि ख़त्म नहीं कर पाता। तो मुझे अगर सपोर्ट नहीं करेंगे, मैं थोड़ा सा पास में बैठ कर उसको हाथ पाथ दबा देती हूँ, तब थोड़ा सा उसको दिखाती हूँ प्यार, मतलब एक होता है ना जो एम्पैथी, वो जैसा फील कर रहा है, कष्ट हो रहा है, मेरा भी आज तक कष्ट हो रहा है। अगर नहीं दिखाऊंगी को कैसे पड़ेगा, क्योंकि मैं मुझे अभी भी याद है मैं जब रात जाकर मेरा ऑनर्स कंप्लीट करती थी, एमए कंप्लीट करती थी, हायर स्टडीज जब किया, तो सब मेरा पापा ना बैठे रहते मेरा, मुझे सब पीठ दबा देते थे, मतलब चक में उस टाइम पे तो क्या हालात होता है बोलिए कंप्लीट करना। और हम लोग उस टाइम पे वेस्ट बंगाल से पला बड़ा है, वेस्ट बंगाल का मतलब 9-10 मिलकर 10th होता था, मतलब 9 का पूरा सिलेबस, 10 का पूरा सिलेबस, सोच रहे हो 10 का सिलेबस लोग ख़त्म नहीं कर पाते, हम लोग 9 और 10 मिलकर बोर्ड एग्ज़ाम दिया। और 12th जब होता था, 11 का पूरा सिलेबस, 12 का पूरा सिलेबस लेकर हम लोग 12th दिया, इवन साइंस में भी ऐसा। तो हम लोग का 2 पेपर होता था, जैसे 10 बजे से शायद शुरू होता था, मुझे याद नहीं एग्जैक्ट टाइम, मैंने 3 आवर्स 10 बजे से 1 बजे एक एग्ज़ाम, फिर हाफ एन आवर ब्रेक, फिर नेक्स्ट 3 पेपर, 6 आवर्स हम लोग लिख मैंने हम लोग जो पढ़ा लिखा किया ना, मुझे लगता नहीं है कोई भी बोर्ड में इतना डिटेल्स में पढ़ाई लिखाई होता है उस टाइम पे हम लोग को था। अभी तो वेस्ट बंगाल में बहुत इजी कर दिया, 11 अलग एग्ज़ाम होता है, 12 अलग एग्ज़ाम होता है, इवन मतलब हम लोग मैंने इतना टफ़ सिचुएशन में पढ़ाई लिखाई किया है। हम लोग का घर इतना नहीं था, मैं और दीदी एक ही घर में पढ़ते थे, दीदी उस टाइम घर में मैंने उस साइड में पढ़ते थे, मैं इधर, मैंने कान ऐसे ना बंद करके पढ़ती थी। तो ये इसलिए बोलता है ना, जिसका होगा वो कहाँ पर भी दो, जो भी दो उसका होगा ही, क्योंकि जो मेन चीज़ें होना चाहिए वो है कंपैशन एंड आपका जो निष्ठा, निष्ठा का नहीं रहेगा तो कहाँ पर भी आप सक्सेसफुल नहीं हो पाओगे। एनीवेज मेरा यूट्यूब चैनल पर तो बहुत निष्ठा है, बट फिर भी नहीं हो रहा है, वही एक ही काम है ये मेरा एक्चुअली, आप बोल सकते हो मेरा छोटे से इसको पला बड़ा है ये चैनल को, तो मैंने ऐसे छोड़ नहीं सकती, नहीं हो रहा है सक्सेसफुल, नहीं हो रहा है तो नहीं हो रहा है, बट मुझे अच्छा लगता है आप लोग के साथ वीडियो शेयर करना सब कुछ, तो इसलिए मैं शेयर कर रही हूँ। और डेली लाइफ में तो क्या रहता है, अभी मेरा बच्चा का मतलब हो गया एग्ज़ाम टेग्जाम जाके, अभी वो लोग जल्दी चले गए, 1:30 जल्दी छुट्टी है क्योंकि एग्ज़ाम चल रहा है ना, तो मैंने बास में जल्दी आएगा, उसमें पेरेंटिंग का बॉल भी जल्दी है, तो मैं अभी जाके घूमिंग टूकिंग करूँगी। मॉर्निंग उठकर मतलब सांस लेने का टाइम नहीं रहता है, क्योंकि कुछ कुछ चीज़ें बाकी रहते हैं, मैं बोलती हूँ ये पढ़ लो, ये पढ़ लो, ये पढ़ लो, ये पढ़ लो, तो लास्ट मोमेंट पढ़ाई बहुत अच्छा होता है, तो यही है। और तो और इस टाइम पे ना मैं कुकिंग का सी भी नहीं कर पा रही थी, थोड़ा थोड़ा किया, हस्बैंड पूरा हेल्प किया, मतलब ओनली मैं एक ही काम थी, आकर उसको खाना, मैंने बच्चे को ओनली देखना, खाना पाना वो अच्छा खाता था, खाता पाता खाकर उसके पास में बैठे रहना, क्या पढ़ना है, क्या इंपॉर्टेंट है, ये सब देखना वो कर पाता है, बट मैं अभी तक छोड़ा नहीं, मैं सोच रही हूँ अभी 8 से धीरे धीरे उसको छोड़ूंगी, सेल्फ मैंने खुद से सब कुछ करना, मतलब कैसे करके इंपॉर्टेंट देखना है, मैं एक्चुअली उसको अभी तक छोड़ा नहीं, वो मैं देखती हूँ खुद अच्छा मेरे से ज़्यादा मतलब पढ़ाई लिखाई अच्छा करता है, मैंने मैं उसको ज़्यादा ज़्यादा टीच करती हूँ, उससे खुद अच्छा करता है, क्योंकि मैं ना ज़्यादा स्ट्रेस ले लेती हूँ, जैसे हो रहा है नहीं हो रहा है क्या हो रहा है ये दो बार बोलो, ऐसे क्लास जब ज़्यादा हो रहा है ना मैं नहीं कर पा रही हूँ, बहुत स्ट्रेस हो रहा है, मेरा सब काम बंद करके ऐसे करना है, सो रियली इम्पॉसिबल। सो मैं अभी धीरे धीरे छोड़ूंगी उसको, देखूंगी छोटा छोटा एक जो यूनिट टेस्ट है उसमें क्या कर रहा है, ऐसे करते करते छोड़ना है ना, वही जैसे लाइफ में बड़ा मुझे लगता है अभी बदल जाता है, हम लोग इतना टेंशन करते हैं, बट गॉड तो आपके लिए सभी ठीक ठाक करके रखा है, तो एनीवेज वो पास आउट हो जाता है, चले जाता है, तो इसलिए। और मैं बहुत भगभग कर लिया, आप लोग थोड़ा सा मुझे सहन कर लेना, और घर का ही काम दिखाती हूँ, घर में क्या है नहीं है क्या चल रहा है, और मैं अभी बैठे बैठे थोड़ा सा मेरा जो भी है काम, इतना दिन से पूरा घर ठीक ठाक किया, क्लीन किया, वो और दिखाए नहीं, क्योंकि अभी फिर से सेट करो, ये करो, वो करो करके अभी चाय पी रही हूँ और आप लोगों के साथ बात कर रही हूँ, और ऐसे ही चल रहा है।
आप लोग जो लोग मम्मी हो वो लोग समझ सकते हो, मेरे साथ को रिलेट कर सकते हो, जैसे एक मॉम कैसे फील करते हैं जब बच्चे का एग्जाम रहते हैं, कितना प्रेशर में रहते हैं वो। एंड ओनली वो तो प्रेशर नहीं है, हज़ारों प्रॉब्लम रहता है सब घर का सबका, और ये नेचुरल है। और ये कोई कोई बोलते हैं, कोई कोई नहीं बोलते हैं, एंड सबका ही थोड़ा बहुत ऐसे ही होता है। प्लस माइनस होकर ही तो हमारा लाइफ होता है, पूरा टाइम तो प्लस 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 नहीं होता है, माइनस 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 ऐसे भी नहीं होता है। हाँ, और फादर्स डे में मेरा बच्चा ये तैयार करके उसको पापा को दिया था। कैसा है? ये पापा है, ये मेरा बच्चा है। कभी कभी मैंगो कस्टर्ड बनाती, बहुत अच्छा बनता है, क्यों मैं चला? आप लोग के साथ एक ना शेयर करूँगी। तो वही बोल रही थी, तो मीठा एक्चुअली बहुत पसंद है। अभी हस्बैंड के शुगर होने के बाद ना थोड़ा सा मीठा एकदम, मतलब आप बोल सकते हो, तो नहीं होता। ओनली सैटरडे वो मैंने स्वीट खाता है, अदर देन दैट, क्योंकि सैटरडे वो फास्ट करता है, फास्टिंग, तो फास्टिंग के लिए शुगर एकदम लो हो जाता है। हाँ, तो इसलिए स्वीट उस टाइम पे खाता, अदर देन दैट तो शुगर मैं बनाती नहीं हूँ, अगर बनाऊँगी तो वो नहीं खाएगा, कैसे लगेगा ना। तो चलिए आज के लिए वीडियो ख़त्म करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, और तब तक अब खुद खुद का बहुत सारी टेक केयर करना, एंड आप लोगों को अच्छा मतलब रिसेंट वीडियो मिलेगा। तो चलिए, बाय बाय।